राम राम किसान भाइयों, तिवारी जी की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज आ गए हैं भानु ट्रैक्टर्स पर और यहाँ पर शानदार जानदार ट्रैक्टर अवेलेबल है, हीरो 55 पावर हाउस, हर बूंद में ताकत, इसकी टैगलाइन है। प्लस डीजल सेवर की बैजिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है, काफी शानदार लुक, आप देखोगे तो फिदा हो जाओगे इस ट्रैक्टर पर। बहुत ही पावरफुल ट्रैक्टर अपने सेगमेंट का माना जाता है। सबसे पहले आप वॉक अराउंड देखिए, फ्रंट से बात करें तो काफी हैवी बम्पर आपको इसके अंदर मिलता है। उसके अलावा यूरो ने क्या, इसकी सबसे बड़ी खासियत मैं आपको दिखाता हूं क्या है, आपको यहां भी लाइट मिलती है, ये दो आंखें। उसके अलावा यहां पर देखिए कितने शानदार हेलोजन लाइट। उसके अलावा यहां पर यूरो की बैजिंग, पावर हाउस की बैजिंग, पावर ट्रैक की बैजिंग, यहाँ स्कॉट कंपनी की बैजिंग, बहुत ही शानदार लुक बना लिया। अब हम चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। तो किसान भाइयों, साइड प्रोफाइल पे आप देखिए, पावर ट्रैक की बैजिंग, डीजल सेवर, बुधनी प्रमाणित, बुधनी में एक प्रमाणित किया गया है कि ये ट्रैक्टर अन्य ट्रैक्टरों की अपेक्षा कम डीजल खाता है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने डीजल सेवर प्लस की बैजिंग लगाई है। उसके अलावा पावर हाउस मतलब क्या, ये भी टेस्टिंग करवाई और हर बूंद में ताकत, और यहां पर स्टार भी देके रखे, 5 स्टार मॉडल है ये। उसके अलावा यहां पर भी आपको यूरो 55 की बैजिंग मिल जाती है। अब आप आ जाइए मरघाट पे, अगर बात करें लाइटिंग की तो काफी शानदार यहां पर लाइट दी है। 55 HP कैटेगरी में ये ट्रैक्टर रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रंट टायर की। तो सबसे पहले अगर फ्रंट टायर की बात करें तो 7/50/16 का आपको फ्रंट टायर मिल जाता है। बात करें बैक टायर की तो इसके अंदर आपको 16/9/28 का टायर मिलता है, काफी हैवी टायर, काफी जो इस ट्रैक्टर की जान को बढ़ा देता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेयरिंग के बारे में, तो आपको इसके अंदर डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिलता है, मतलब दोनों हाथों में ताकत, जिससे आपका ट्रैक्टर कहीं भी लगा दो कमजोर पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। तो ये तो हमारा वॉकराउंड था। अब हम इसका इंजन को बोनट एक्सेस करते हैं, जानते हैं इसके इंजन के बारे में, कितना पावर है इसके इंजन में, कितने NM का टॉर्क जनरेट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको निकालते हैं, हम इसी पे टांग देते हैं यहाँ पे ये। अब यहाँ पर ओपन करने के लिए दिया है, इसको खींचो और यहाँ से उठाओ, काफी हैवी बोनट है इसका। इस कारण इसके अंदर आपको दो हाइड्रोलिक दिए हैं। हर ट्रैक्टर में आपने देखा होगा अधिकतर में एक आता है, किसी में दो आते हैं, इसमें पावर ट्रैक ने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं किया है, डबल हाइड्रोलिक दिया, जिससे क्या हो, किसान को आसानी लगे, आसानी से बोनट उठा सके। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो इसके अंदर आप देखिए, इन्होंने इसके अंदर फ्रंट में ही बैटरी रख दी है यहां पर। उसके बाद में आपको इसके अंदर ऑयल टाइप का प्री क्लीनर फिल्टर मिलता है, जो काफी शानदार है। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके CC की तो 3514 CC का इंजन मिलता है, स्कॉट कंपनी का इंजन मिलता है। पंप की बात करें तो बॉश कंपनी का इनलाइन पंप इस ट्रैक्टर के अंदर मिलता है, जो काफी शानदार है। बात कर लेते हैं टॉर्क की, तो 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करता है, 52 शुद्ध HP है और 55 कैटेगरी में इसको रखा गया है। अब आप बात कर लेते हैं इसके और इंजन के बारे में, तो यहां पर आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आपको मिलता है और यहां पर आपको पावर स्टीयरिंग ऑयल का अलग से देके रखा हुआ है। उसके अलावा यहां पर वाटर कूल्ड इंजन आता है, फ्यूज बॉक्स आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो ये काफी शानदार है और बहुत ही कॉम्पैक्ट इंजन बनाया है, एकदम माचो। और इस ट्रैक्टर में क्या होता है, जब भी आप इसको मतलब किसी भी इम्प्लीमेंट पे चलाओ तो आगे से उठने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ABL टेक्नोलॉजी पे ये इंजन काम करता है, ABL टेक्नोलॉजी स्पॉट कंपनी इसमें यूज करती है, काफी शानदार चीज है। तो ये किसान भाइयों इंजन के बारे में डिस्क्रिप्शन था। अब हम इसका बोनट बंद करते हैं, चलते हैं इसके ट्रांसमिशन पे, देखते हैं कितने गियर हैं इस ट्रैक्टर के अंदर। इसको हम यहां से बंद करते हैं,
तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर मैदान दिया है जिससे किसान भाई आसानी से चढ़ सकें। और जब इस ट्रैक्टर पर आप बैठोगे तो काफ़ी ऊंचा ट्रैक्टर है, और आपको बात करें सीट के बारे में तो काफ़ी एडजस्टेबल सीट है, आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम बात करें गियर के बारे में, तो टोटल आपको इसके अंदर 10 गियर मिलते हैं, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स। उसके अलावा यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें क्लच के बारे में तो आपको ड्यूल क्लच का ऑप्शन मिलता है, और बात करें ब्रेक के बारे में तो इसके अंदर आपको OIB ब्रेक मिलते हैं, हाई लो मीडियम ऑप्शनल में एक ट्रैक्टर आता है, इसमें आपको हाई और लो में मिलता है इस ट्रैक्टर के अंदर जो अवेलेबल है। ऑप्शनल मॉडल आता है जिसके अंदर हाई लो मीडियम में भी आता है। और बात कर लें गियर के बारे में तो प्योर कॉन्स्टेंट मैश सिंक्रोमैस गियर आपको इसके अंदर मिलते हैं, प्योर सिंक्रोमैस गियर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, तो ये भी काफ़ी शानदार चीज़ है। उसके अलावा फ्लैट बॉटम आपको मिलता है, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर लाइटिंग कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये यहाँ पे लाइटिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ये भी। और एक और चीज़ अच्छी की है इन्होंने, सुधार जो बोल सकते हैं, यहाँ पे हॉर्न है। आप ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बाद अगर आपको लगता है इसको बंद करना है तो आपको नीचे नहीं झुकना पड़ेगा, यहीं पर इसका कंट्रोल दे दिया गया है, आप इसको खींच के इसको बंद कर सकते हैं यहीं पर, ये देखिए, जो काफ़ी शानदार चीज़ है। किसान भाइयों इसका साउंड सुनिए, काफ़ी शानदार साउंड है, और आप इसको आसानी से यहीं से बंद कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे किसान भाई भूले ना, और नए जो किसान बनते हैं हमारे जैसे अक्सर भूल जाते हैं। अब बात करें हाइड्रोलिक के लिए, यहाँ पे काफ़ी शानदार हाइड्रोलिक बनाया है, यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल डिज़ाइनदार यहाँ पर। और इस ट्रैक्टर के अंदर एक और खासियत है, ड्यूल टोन में ट्रैक्टर आता है, आपको 2 कलर मिलते हैं, सिल्वर और ब्लू। अब हम बात करते हैं बैक में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉल्ब के बारे में, तो इसके अंदर आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्ब मिल जाता है, उसके अलावा 47.3 HP का PTO पावर इस ट्रैक्टर के अंदर मिलता है, और 2200 kg 500 RPM पे, 540 RPM इकोनॉमी पे और नॉर्मल पे वर्क करता है। उसके अलावा बात कर लें लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो 2000 kg का वजन ये ट्रैक्टर आसानी से उठा सकता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा लाइटिंग चाहिए तो यहाँ पर आपको लाइटिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सबसे अच्छी जो बात इसके अंदर है वो यह है, 5 साल की वारंटी और 5000 घंटे की वारंटी। ये बहुत ही गेम चेंजर प्लान है पावर ट्रैक का, जो काफ़ी किसान भाई पसंद करते हैं। उसके अलावा स्कॉट का विश्वास, पावर ट्रैक की ताकत किसानों के लिए इस ट्रैक्टर को और भी मजबूत बनाता है। तो ये हमारा ओवरऑल रिव्यू था इस ट्रैक्टर के बारे में। इसके अलावा हम जानते प्राइस और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम हमारे AVM स्कॉट कंपनी के डॉक्टर पुनीत अवस्थी जी, उनको ही बुलाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हो आपको इसके बारे में देंगे, और कंपनी के फ्यूचर के प्लान क्या हैं। किसान भाइयों कुछ मेरे प्रश्न भी हैं, उनके भी आंसर करेंगे वो, तो मैं उनको बुलाता हूँ। सर राम राम। राम राम, जय किसान। जय किसान। तो सर बात करें यूरोप 55 पावर हाउस के बारे में, जी। तो सर इस ट्रैक्टर को दूसरे ट्रैक्टरों से ये अलग क्या है इसके अंदर, इस ट्रैक्टर के अंदर? देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये यूरो पावर हाउस जो है हमारी, ये अभी लेटेस्ट सीरीज है जो कि कंपनी ने दिसंबर में लॉन्च किया था। ये ट्रैक्टर जो है दूसरे ट्रैक्टरों से हमें कुछ एक्स्ट्रा देता है, एक्स्ट्रा जैसे कि आप अगर कहीं पर सब्जी लेने जाते हैं, सपोज है कि आपने 1000 की ली, तो आप चाहते हैं कि इसमें धनिया और मिर्च वो फ्री में मिल जाए, ठीक है ना? तो किसान क्या चाहता है, किसान एक्स्ट्रा चाहता है कि उसको माइलेज मिल जाए, उसको डीजल सेवर मिल जाए, बिल्कुल एट फेयर प्राइस, बिल्कुल अच्छे कीमत पे। तो इसी सोच के साथ ये ट्रैक्टर एग्जिस्टेंस अस्तित्व में आया, हम किसानों को एक फेयर प्राइस में
जो अभी तक के 55 के ट्रैक्टर हैं उनसे हम ज़्यादा दे रहे हैं। बिल्कुल, अब ज़्यादा में हम जैसे इसकी सीसी ज़्यादा दे रहे हैं, बिल्कुल हम पीटीओ पावर ज़्यादा दे रहे हैं, और हम इसमें जो इसका लुक है, जो इसके फीचर्स हैं, जैसे गियर यूनिट है, साइड गियर है, एक्चुअल साइड गियर है, ठीक है ना, हम इस पे सेंसुई हाइड्रोलिक दे रहे हैं, 2000 क्षमता से उठाने की जो क्षमता है वो दे रहे हैं, इस तरह से एक जो कॉम्बिनेशन हम दे रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हमारी ट्रैक्टर जो है ना, जैसे किसान की ज़रूरत वैसा ट्रैक्टर, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सर अभी कोई एक प्रश्न और है, जैसे बहुत सारे किसान अभी क्रीपर गियर में डिमांड कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, और हमारे पास भी प्रश्न आते रहते हैं कि सर कब स्कॉट पावर ट्रैक जी क्रीपर गियर वाला ट्रैक्टर लॉन्च कर रहा है, तो सर उस विषय में कुछ थोड़ा सा बताइए, कि अगर ये वीडियो हमारे ऊपर वाले स्कॉट वाले भी देख रहे हो तो उस पर थोड़ा फोकस करें, बहुत जरूरत है। देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, हम जहाँ पे खड़े हैं जिस बेल्ट पे, वो प्याज और लहसुन के लिए न जाना जाता है, बिल्कुल, स्पेशली जो किसान प्याज की खेती करते हैं उसकी चुपाई के लिए उनकी ये रिक्वायरमेंट रहती है। आल्दो ये जो हम ट्रैक्टर आपको दे रहे हैं, ये इसकी भी स्पीड बहुत ही कम है, बहरहाल आपका जो क्वेश्चन है क्रीपर गियर का, तो हमारे टॉप मैनेजमेंट जो सीनियर लीडर हैं उनके तक ये बात पहुंची है, बहुत ही जल्द हम क्रीपर गियर का भी विकल्प देंगे किसानों को, जिससे कि उनको सारी चीज़ें मिले और भी आसानी हो जाए, आसानी मिल जाए, और एडजस्टिंग धड़ी एक चीज़ और बताते हैं, वो भी जो आलू के लिए किसान हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी हम बहुत जल्द देने वाले हैं। और चूँकि आप का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आज एक किसी पहचान के मोहताज नहीं है, तिवारी जी के लाइव तिवारी जी का आप हमें बहुत शुरू से हमारे ट्रैक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, खासतौर पर यहाँ महाकाल की नगरी में, तो हम आपके बहुत आभारी हैं। महाकाल से यही प्रार्थना है कि आप भी खूब उन्नति करें और किसानों को उनके हिसाब से जानकारी देते रहें और खूब उन्नति करें, आप भी और आपका चैनल भी। थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सर प्राइसिंग की और बात कर ले, इस ट्रैक्टर का अभी क्या प्राइसिंग? देखिए इसकी जो प्राइस है, हम अभी डिपेंड करते, देखिए हमने इसका जो है वो करीब 8,60,000 रुपया जो है एक अभी हमने दिया है, लेकिन ये वेरी करती है सेगमेंट पे भी कि आपका, क्योंकि एक मॉडल पे 3 सेगमेंट आते हैं कि उसका मैनुअल स्टेयरिंग चाहिए, डीसी वॉल चाहिए, कि उसके फीचर्स क्या हैं। तो हम तो हमेशा यही उम्मीद करते हैं, कार में बताते हैं ना मॉडल अलग अलग होते हैं कि स्टार्टिंग प्राइस यहाँ से है, तो हम ये सोच के चले कि ट्रैक्टर की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 8,60 से चालू होती है, 8,60 से चालू होती है, उसके अलावा फिर आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, समय के अनुसार। और मैं जब 8,60,000 बता रहा हूँ तो इस पे आपके सारा आरटीओ इंश्योरेंस, मतलब ये कंप्लीट ट्रैक्टर ऑन रोड की मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, है ना, बट ये आज की डेट पे है और समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ ये चीजें बदलती है, चूंकि आप देख रहे हैं डीजल है और लोहे है, इनके रेट भी वेरी करते रहते हैं, तो उस हिसाब से उनका इम्पैक्ट हमारे क्या ये सभी बिजनेस पे पड़ता है। ओ, लेकिन किसान को अगर आपको बताना है तो आप 8,60,000 हमारे इसका भी बता सकते हैं। बिल्कुल, तो किसान भाइयों ये आपका प्राइस बता दिया, इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा प्राइस है इस ट्रैक्टर का, उसके अलावा आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं, और जो भी मान सम्मान होगा वो आपका हो जाएगा, हमारा नाम भी ले सकते हैं तो और भी अच्छा मान सम्मान होगा, आप यहाँ पर आके बताएं कि यार हमने वीडियो देखा था, तो आपका बिल्कुल मान सम्मान होगा। इसी उम्मीद के साथ महाकाल की नगरी उज्जैन में जैसे महाकाल का नारा लगा के अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम जी।